सो गाइस अभी देख सकते हैं मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और लाइट देखो गाइस ये भी बंद है और ये भी बंद है और सिर्फ एक ही लाइट की इतनी ब्राइटनेस है, आप चेक कर लो। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ, देखो गाइस कितनी ब्राइट है लाइट, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, फोकस भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो गाइस येलो, पर इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, पर ठीक है अगले बंदे को थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखो गाइस फॉग के लिए काफ़ी अच्छी है ये लाइट। सो अभी गाइस रात भी पूरी नहीं हुई देख सकते हैं और इतना ब्राइटनेस है और रात में तो काफ़ी हो जाएगी। सो गाइस मैंने मेरे पास एक लाइट बची थी और देखो मैंने इसको अडेप्टर से कनेक्ट कर लिया, तो अभी मैं इसको पानी में डाल के देखने वाला हूँ क्योंकि रिप्लेस करवानी पड़ेंगे, तो मुझे दोनों के दोनों ही रिप्लेस होंगी, एक तो होगी नहीं। तो सबसे अच्छा है कि इसका वाटर टेस्ट भी कर लिया जाए कि कितना टाइम निकालती है। सो गाइस मैं डालने वाला हूँ इसको वाटर में, तो देखते हैं चलती भी है या नहीं। तो फ़ैन की आवाज़ सुनो गाइस, पूरे पानी में देखो फैन, तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ पूरी, कितना टाइम चलती है ये भी देख लेते हैं। तो गाइस अभी तो चल रही है तो देखते हैं कितना टाइम चलेगी ये। 20 मिनट हो चुके हैं और लाइट ने यार रिकॉर्ड तोड़ दिए गाइस, तो ये नहीं हो रही बंद। देखो गाइस अभी बबल बन रहे हैं इसमें क्योंकि इसमें फ़ैन चल रहा है ना, तो देखो पानी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो अभी मैं इसका पानी देखा, देखो गाइस नीचे पानी जा रहा है। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, जितना इसने सर्वाइव करना है कर लिया, इतना ही बाइक पे होता है, इतना चल के तैयार कर गाइस वही बहुत बड़ी बात है। सो व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज मनजोत बैक विद अनदर वीडियो एंड वेलकम टू अगेन नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई। आप वीडियो देख रहे होंगे कि गाइस ये कौन सा नया तीर मार रहा है, और गाइस ये देखो अपने पास है लाइट जिसका अपन वाटर टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बताता हूँ कि कौन सी लाइट है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्टेड। सो गाइस इस तरीके के आपको फॉग देखने के लिए मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो। प्राइस इसका दिया गया है 2599 रुपये, लेकिन आपको करीबन 1000 रुपये के करीबन पड़ जाएगा। और मिनी फॉग लैंप है जी, लेकिन ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इनकी, मैंने चेक भी कर लिया है इनको, तो अभी मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इनमें इस तरीके के नट वगैरह मिल जाएंगे दोनों साइड में, और एलन की से आपको कस लेना है अच्छे तरीके से, जिस भी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। और काफ़ी छोटे साइज हैं और वाटरप्रूफ बताया गया है, लेकिन पता नहीं वाटरप्रूफ है भी या नहीं, तो आगे टेस्ट करेंगे। सो इस तरीके के इसमें देख सकते हैं फ़ैन भी दिए गए हैं बैक साइड में, दोनों साइड में लगाने आपको कहीं पे भी लगा सकते हो। मैं इनको नीचे की साइड में लगाने वाला हूँ हॉर्न के नीचे, क्योंकि मेरी बाइक में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था लगाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ तो यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे ही मेरे को मिला है। तो मैंने 2 हॉर्न वाली पत्ती ले ली है, लोकल मार्केट से मिल जाती है इस तरीके की, और ऊपर मेरे रूट्स के हॉर्न लगे हुए हैं बड़े वाले, अगर रूट्स के हॉर्न नहीं रहते तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, और अगर मेरा लेग गार्ड लगा रहता तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, लेकिन मेरे को ज़्यादा लगाने नहीं थे, मेरे को सिर्फ टेम्परेली ही यूज़ करना था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। और देखेंगे कि अगर अच्छी रोशनी होगी तो मैं यूज़ करूँगा। सबसे इसको लेने की खास बात पता क्या है कि इसमें डबल कलर है, एक तो वाइट चलेगा, एक इसमें येलो कलर चलेगा, जो कि फोक को काटने के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज किया। जो मेरी हॉर्न की पत्ती है उनको मैं सबसे पहले इनको बैंड करूँगा कुछ इस तरीके से, सो गाइस इस तरीके से ये बैंड हो जाएंगी, और उसके बाद इस तरीके से ये मेरे फॉग लैंप जो लग जाएंगे। सो गाइस इस तरीके की फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगी, दोनों के दोनों इंस्टॉल कर लें, देखिए प्रॉपर तरीके से काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है, एक उस राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और ये फाइनली इनके दोनों की वायरिंग है, वायर काफ़ी लंबी है इसकी, यही चीज़ फ़ायदा होता है ओरिजिनल का। और ये तो बिल्कुल वाटरप्रूफ है, इसमें देख सकते हैं रिले वगैरह दी गई है। तो सबसे पहले इनमें 3 वायर देखने के लिए मिल जाएगी, येलो ब्लैक और रेड, तो इनको तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, उसके बाद मैं आगे कनेक्शन बनाता हूँ। वायर लिए डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिए प्लस से और माइनस से, देख सकते हैं कनेक्शन मैं सिंपल बता देता हूँ, जो कि ब्लैक वाली वायर है उसको आपको अर्थिंग में लगा देना है, और जो रेड वाली वायर है अगर इस आपको वाइट चालू करना है तो रेड वाली यूज़ करनी है, अगर आपको येलो चालू करना है तो इसको हटा के और येलो वाली लगा देनी है। तो गाइस देख सकते हैं ये येलो तरीके से वर्क करने लग गई है, और इसमें सबसे बड़ी बात
आपके पास होना चाहिए एक 2-in-1 स्विच, कुछ इस तरीके का आपको मार्केट से मिल जाएगा, 10 से 15 रुपये में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ऑनलाइन तो खैर महंगा होगा, लेकिन मार्केट से मैंने 10 रुपये में आप परचेज कर लिया था। इसको आपको दोनों वायरों के बीच में लगाना है और इसमें अर्थिंग करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक साइड में आपको रेड वाली लगानी है। सो इस तरीके से रेड वाली लग गई, सिंपल कनेक्शन है सारे के सारे इसके। एक साइड में येलो वाली लग गई, और जो बीच का कनेक्शन बचता है इसमें आपको जो बैटरी का प्लस वाला है उसको लगा देना है। जैसे सिंपल कनेक्शन है, अभी देखिए वाइट चल रही है। अभी मैं इसको दूसरी साइड में करेंगे तो ये येलो हो जाएगी। सो इस तरीके का ये कनेक्शन है। फैन की वॉइस सुन सकते हो कि फ़ैन काफ़ी स्पीड में चल रहा है। देखो गाइस वॉइस सुनो फैन की, तो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस लाइट है ये, और मेरे हिसाब से ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। देख सकते हैं फ़ैन इसका वर्किंग है। अभी नाइट के शॉट में डाल दूंगा कि नाइट में कैसा वर्क कर रही है। तो सबसे बड़ी बात, इसमें एक ही ने वर्क किया है, दूसरी वाली में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, तो गाइस वो डैमेज निकली। तो जो भी ब्राइटनेस मैं बताऊंगा वो एक ही बता पाऊंगा, दूसरी बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रही। मैंने यूज़ कर लिया है उसको, बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। और इसमें लास्ट में अपन इसको ओपन करके इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे कि वाटर में वर्क करती है या नहीं। उसको पहले नाइट का शॉट लेके उसको मैं उतारूंगा, उतारने के बाद इसको वाटर में डालेंगे चलती हुई को, कि वाटर में ये सर्वाइव कर पाती है या नहीं। ये देखिए ब्राइटनेस कितनी आ रही है अभी दिन में। और मैंने जो स्विच है इसको यहीं पे फिट कर दिया है, तो यहीं पे लग गया था। देखो ये हो गया वाइट और ये हो गया येलो, तो यहाँ से ही मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। अगर आपको और भी कहीं पे यूज़ करना है तो यहाँ पर आप कट लगा के यहाँ पर भी यूज़ कर सकती हूँ। सो गाइस अभी नाइट हो चुकी है और नाइट चालू करता हूँ सबसे पहले। सो ये हो चुकी है चालू, और देख सकते हैं गाइस इस तरीके की ब्राइटनेस है एक की, तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस। अभी मैं वाइट करता हूँ, अभी ये वाइट है, पर इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है अगर वाइट करते हैं तो काफ़ी नीचे जा रहा है देखो इसका फोकस, और अपन येलो कर रहे हैं तो फोकस देखना कितना ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे, बाकी लाइट काफ़ी अच्छी है और येलो में और वाइट में तो काफ़ी ब्राइट बढ़ जाती है। एडजस्ट भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, तो देखो गाइस इतनी मतलब काफ़ी अच्छी लाइट है, नो डाउट। पैसों के हिसाब से जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो आप। रोड पे आ गया हूँ और लाइट देखो गाइस ये भी बंद है और ये भी बंद है, और सिर्फ एक ही लाइट की इतनी ब्राइटनेस आप चेक कर लो। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ, देखो गाइस कितनी ब्राइट है लाइट, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, फोकस भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो गाइस येलो, पर इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, पर ठीक है अगले बंदे को थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखो गाइस फॉग के लिए काफ़ी अच्छी है ये लाइट, इस तरीके के लुक देखने के लिए मिलेगी आपको इसकी। तो देखो ये फ्रंट की लुक है, तो गाइस मैंने मेरे पास एक लाइट बची थी और देखो मैंने इसको अडेप्टर से कनेक्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसको पानी में डाल के देखने वाला हूँ, क्योंकि रिप्लेस करवानी पड़ेगी, तो मुझे दोनों के दोनों ही रिप्लेस होंगी, एक तो होगी नहीं। तो सबसे अच्छा है कि इसका वाटर टेस्ट भी कर लिया जाए कि कितना टाइम निकालती है। सो गाइस मैं डालने वाला हूँ इसको वाटर में, तो देखते हैं चलती भी है या नहीं। तो फ़ैन की आवाज़ सुनो गाइस, पूरे पानी में देखो फ़ैन, तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ पूरी, कितना टाइम चलती है ये भी देख लेते हैं। तो गाइस अभी तो चल रही है, तो देखते हैं कितना टाइम चलेगी ये। तो इसका मैं अभी कलर चेंज करता हूँ। तो गाइस अभी मैंने कलर चेंज कर दिया है, और देखो इसमें गाइस बबल बन रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर पानी जा रहा है। तो मुश्किल है जो 5-10 मिनट और चल जाएगी, वरना जो जाने वाली है। अभी इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और गाइस फ़ैन तो शायद चल रहा है गाइस अभी फ़ैन, तो इसको और डलने देते हैं। देखो फ़ैन की आवाज़ सुनो गाइस, तो गाइस इसको डलने रहते हैं एक 10-20 मिनट, उसके बाद में मिलता हूँ, बंद होती है जब। सो
सो गाइस 15-20 मिनट हो चुके हैं और लाइट ने यार रिकॉर्ड तोड़ दिए गाइस, तो ये नहीं हो रही बंद। देखो गाइस अभी बबल बन रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें फैन चल रहा है ना, तो देखो पानी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो अभी मैं इसका पानी देखा, देखो गाइस नीचे पानी जा रहा है। गाइस काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, जितना इसने सर्वाइव करना है कर लिया, इतना ही बाइक पर होता है, इतना चल गया तैयार गाइस वही बहुत बड़ी बात है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर वीडियो चल रही है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बोले मुझे जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।